चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आज देश एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और आने वाली स्थिति और भी भयानक हो सकती है। लॉकडाउन के बाद ना ही युवाओं के पास रोजगार है और ना ही मजदूरों के पास काम। देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग या एमएसएमई बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। 64% एमएसएमई के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है और कई सारी एमएसएमई बंद होने के कगार पर हैं। सरकार रोजगार ना दे पाने की अपनी नाकामी का ठीकरा कोरोना संकट पर फोड़ना चाहती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन से पहले भी भारत में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। यहां से चीजें अब शायद और बिगड़ेंगी। भारत में GDP 23% घटा है। GDP घटने का सीधा परिणाम है कि लोगों की आमदनी और रोजगार दोनों में गिरावट आई है। ऐसे वक्त में जब देश की एक बड़ी जनसंख्या के पास मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त करनी मुश्किल हो रही हैं, क्या सरकार को मजदूरों और बेरोजगारों के लिए महीने के 7,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता नहीं शुरू करना चाहिए? ऐसी मांगों के जवाब में अक्सर बोला जाता है कि भारत एक गरीब देश है और ऐसे अभियानों के लिए पैसा नहीं है। वास्तव में दुनिया के सबसे अधिक GDP वाले देशों में भारत 5वें स्थान पर है। दिक्कत यह नहीं है कि पैसा नहीं है, दिक्कत यह है कि भारत देश में जो पैसा है वो कुछ चंद अमीर लोगों के हाथों में है। भारत की 73% दौलत देश के 1% लोगों के कब्जे में है। भारत में दुनिया के 4थे सबसे ज्यादा अरबपति हैं। मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रभात पटनायक कहते हैं कि अगर इन अरबपतियों पर सिर्फ 1% संपत्ति टैक्स लगा दिया जाए और साथ में इनहेरिटेंस टैक्स या अरबपतियों की विरासत पर टैक्स लगे तो देश के पास इतना पैसा होगा कि देश के हर गरीब को मूलभूत सुविधाएं जैसे सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा में रोजगार, राशन और बुजुर्गों की पेंशन, सारी ऐसी सुविधाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन सरकार ने इस संपत्ति टैक्स को 2015 में खत्म ही कर दिया था, जिससे सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा हुआ। उसी के साथ मशहूर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी का कहना है कि देश में इतनी क्षमता है कि लॉकडाउन की मार से बचने के लिए देश के सबसे गरीब 60% लोगों को महीने के 10,000 रुपए मूल न्यूनतम आय के रूप में आराम से मिल सकते हैं। इससे लोगों की खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी और बाजार में पैसा फिर से प्रसारित होगा और GDP फिर बढ़ना शुरू होगी। लेकिन देश में कुछ और ही हो रहा है। जहां एक तरफ लॉकडाउन में छोटे उद्योग और मजदूर भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, वहीं अंबानी और अदानी जैसे बड़े पूंजीपतियों की दौलत बढ़ती ही जा रही है। मुकेश अंबानी ने लॉकडाउन के दौरान 22 अप्रैल 2020 को फेसबुक में 43,574 करोड़ रुपए में डील की है और अभी 29 अगस्त को 24,713 करोड़ रुपए के स्टोर बिग बाजार से खरीदे हैं। बल्कि मार्च से जून तक 5 बड़े कॉरपोरेट घरानों ने 189 करोड़ से 7,173 करोड़ रुपए तक का कुल मुनाफा कमाया। आर्थिक तंगी के दौरान जब देश का एक बड़ा तबका भुखमरी के कगार पर है, वहीं इन पूंजीपतियों के पास ये पैसा कहां से आ रहा है? प्रवासी मजदूरों ने अपने गांव से निकलकर परिवार को छोड़कर अपनी मेहनत की बल पर शहरों को बुलंदी पर पहुंचाया। फैक्ट्री, फ्लाईओवर, होटल, मॉल, पार्क आदि सब मजदूरों ने बनाकर दिया। उनकी वजह से पूंजीपति और फैक्ट्री मालिक और ज्यादा अमीर बना है। आज वही मजदूर उसी शहर में भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, उन्हें घर भेजने के लिए बसों और ट्रेन के महंगे किराए वसूले जा रहे थे। ये उसी देश में जहां 20,000 करोड़ की लागत से बनने वाली बुलेट ट्रेन लाई जा रही है। कोरोना वायरस के दौरान आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में लाखों मजदूरों का पलायन इस संकट की पहचान सी बन गई है। न जाने कितने 100 गरीब मजदूर इस लॉकडाउन में अलग अलग कारणों से मर गए। लेकिन ऐसे वक्त में भी सरकार महीने के 7,500 रुपए के बेरोजगारी भत्ते की घोषणा नहीं कर रही है, ना ही सार्वजनिक स्वास्थ्य या राशन जैसी सुविधाओं को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। दुख की बात तो यह है कि भारत में अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब और गरीब। वहीं सरकार भी अमीरों की तिजोरियां भरने में लगी है। सरकार ने राज्यसभा में खुद इस बात को माना कि 3 सालों में 2014 से 2017 तक उन्होंने 2 लाख
41,911 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया। जी हां, सही सुना आपने, 241,911 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट कर्ज माफ। ये उसी देश में है जहां किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के छोटे से छोटे कर्ज ना चुकाने की वजह से उनके घर बिक जाते हैं, उनकी संपत्ति जब्त हो जाती है। किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, आज वही भूखा सो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। लेकिन पूंजीपतियों का कर्जा माफ करने वाली इस केंद्र सरकार ने पिछले 6 सालों में एक बार भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। सिर्फ कुछ ही राज्य सरकारों ने किसानों का कर्जा माफ किया, और वो भी कई शर्तों के साथ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपति सरकारी बैंक से कई करोड़ों का कर्जा ले रहे हैं और फिर देश से फरार भी हो गए हैं और विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। How come that you don't come home for face the justice of your country, for example? Why should I? सरकार उन्हें सजा दिलाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। सरकारी बैंकों का पैसा इस देश के आम इंसान का पैसा है, जो कर्जे के रूप में पूंजीपतियों के ऐश की जिंदगी का साधन बन गया है। ऐसे समय पर जब मजदूर सबसे ज्यादा दुर्बल है, उसे सुरक्षा देने की जगह गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने मजदूर कानून 3 सालों के लिए खारिज कर दिए हैं। मतलब अब पूंजीपति बिना किसी डर और बिना किसी रोक टोक के मजदूरों का शोषण कर सकता है। ऐसे दौर में जब सरकारी तंत्र और मजबूत होना चाहिए, वहीं सरकार अपनी सारी संपत्ति पूंजीपतियों को बेचने में लगी है। निजीकरण को लेकर पहले भी ये आंकड़े आए हैं कि निजी रोजगार के मुकाबले सरकारी रोजगार का वेतन दुगने से भी ज्यादा होता है, और अब देश का सबसे ज्यादा रोजगार दिलाने वाला क्षेत्र रेलवे का भी सरकार अब निजीकरण कर रही है। जबकि कुछ ही साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा वायदा किया था। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। सरकार ने कहा था कि इस दौर में मनरेगा से नौकरियों की पूर्ति होगी। सरकार ने 13,91,00,000 मनरेगा कार्ड जारी किए हैं। इतने लोगों को अगर साल में 202 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 100 दिन का रोजगार देना है, तो उसके लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। लेकिन मनरेगा के लिए पूरी तरह से केवल 1,00,000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। आखिर में सरकार केवल अमीरों की ही तिजोरियां भरने में लगी है। 20,00,000 करोड़ के तथाकथित पैकेज में भी एमएसएमई की सरकार ने अचानक परिभाषा बदल दी, और अब यह पैकेज भी बड़े पूंजीपतियों के लिए कर्ज लेने का एक और तरीका बन गया है। और हम जानते हैं कि पूंजीपति बैंक का कर्ज वापस करने की बजाय पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं, और बाकी बड़े पूंजीपतियों का कर्ज सरकार माफ कर देती है। अभी आए आंकड़ों के अनुसार देश में हुई कुल आत्महत्याओं में 22% से ज्यादा आत्महत्याएं दिहाड़ी मजदूरों की हैं। लेकिन मीडिया और सरकार कभी सुशांत सिंह राजपूत और कभी हिंदू मुस्लिम का शोर पैदा करके इन असली मुद्दों को मार देती है। अच्छा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बुजुर्गों की पेंशन और राशन, और साथ में महीने के 7,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना, इस देश के आम इंसान के लिए भीख या सरकारी खैरात नहीं है, बल्कि यह हमारा अधिकार है, हमारे हक है। और यह बहुत आसानी से मुमकिन भी है अगर सरकार पूंजीपतियों की संपत्ति और विरासत पर एक हल्का सा टैक्स लगाए और कर्ज के नाम पर उन्हें हमारा पैसा खैरात में बांटना बंद करे। फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम फिर से सरकार और उसकी मीडिया के झूठे प्रचार में बह जाएंगे, या अपने अधिकार लेने के लिए साथ आएंगे? मजदूर और किसान इस देश के स्तंभ है जिस पर पूरा देश टिका है। अगर उन्हें अपने अधिकार नहीं मिले तो पूरा देश बड़े पूंजीपतियों की जागीर बन जाएगा, और हम उनके गुलाम।